नमस्ते भक्तों, आइए हम गुरु भगवान के बारे में जानते हैं और थोड़ा जानकारी भी लेते हैं। तो हफ्ते में आने वाले हर एक व्रत का अपना अलग अलग महत्व माना जाता है, जिसमें बृहस्पतिवार के व्रत की काफ़ी मान्यताएं हैं। गुरु के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, जैसे कि ये व्रत भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस दिन केला, हम व्रत रखते हैं तो केला नहीं खाते हैं, केले के जड़ में पूजा करते हैं तो इसलिए हम केला नहीं खाते हैं। उस दिन केला नहीं खाना चाहिए, व्रत में पीले खाद्य पदार्थ का ही भोजन करना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा व्रत रखती आई हूँ, उसमें कहानियाँ भी हैं, उसे हर कहानी हर दिन पढ़ना चाहिए, किसी दिन भूलना नहीं चाहिए। तो यही बृहस्पतिवार का नियम का पालन करना चाहिए। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों को निर्मित होकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें, भगवान बृहस्पति देव की विधि विधान से पूजा करें, भगवान को पीले फूल पीले चंदन के साथ पीले रंग का भोग लगाएं। ये है गुरुवार का नियम। गुरुवार को जैसे साबुन क्यों नहीं लगाते? दरअसल मान्यताएं के अनुसार बृहस्पति ग्रह से भारी होती है, इसलिए इस दिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें कष्ट उठाना पड़े। यदि आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा कृपा चाहते हैं तो इस दिन आपको साबुन और शैम्पू आदि के प्रयोग से बचना चाहिए। महिलाओं को इस दिन अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। आगे और जानकारी के लिए मेरे प्यारे भक्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए। आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री राम।